एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो वीसीआर और टीवी खरीदता है, किसी होलसेलर से खरीदेगा बेचने के लिए, क्योंकि शॉपकीपर है तो वो बेचने के लिए खरीदेगा, तो पहले होलसेलर से खरीदेगा और फिर उसके बाद जो कंज्यूमर होगा, जो भी कस्टमर होगा, उसको ले जाके बेचेगा। तो वो दो चीज खरीदता है, एक खरीदता है वीसीआर और एक खरीदता है टीवी। दोनों की कीमत जो है 8,000 रुपए। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8,000 रुपीज ईच, यानी कि वीसीआर भी 8,000 का है और टीवी भी 8,000 का है। देखो अगर किसी को वीसीआर का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वीसीआर जो है एक प्लेयर होता है जिसमें हम कैसेट डाल के मूवीज या फिर वीडियोस को देख सकते हैं। पहले जैसे सीडी प्लेयर आता था, आजकल तो सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो सीडी या डीवीडी प्लेयर में हम लोग सीडी डाल के या डीवीडी डाल के वीडियोस को या मूवीज को देखते हैं। उसी तरीके से सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर आने से पहले एक वीसीआर प्लेयर हुआ करता था जिसमें हम लोग वीसीआर कैसेट को डाल के टीवी में वीडियोस या मूवीज को देखा करते थे। ठीक है, तो यहां पर वही वीसीआर के बारे में बात कर रहा है। तो टीवी और वीसीआर दोनों की कीमत 8,000 रुपए है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर ने जब उनको बेचा तो वीसीआर बेचने पर उसको 4% का लॉस हुआ और टीवी बेचने पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम लोग को फाइनली ये फाइंड आउट करना है कि इस ओवरऑल प्रोसेस में, टीवी और वीसीआर के बेचने के प्रोसेस में, उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोगों को परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना परसेंट उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, आप एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने दो चीज खरीदा है, एक खरीदा है टीवी और एक खरीदा है वीसीआर, तो हम लोग उसका अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग टीवी का कैलकुलेशन कर लेंगे और अलग से हम लोग यहां पर वीसीआर का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों चीज उसने 8,000 रुपए में खरीदा है, तो वीसीआर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी ₹8,000 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वीसीआर टीवी में उसको 8% का प्रॉफिट होता है और वीसीआर में, सॉरी टीवी में उसको, देखो मैं इस सीक्वेंस थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको यहां पर वीसीआर कर देता हूं और यहां पर टीवी कर देता हूं, क्योंकि पहले वीसीआर का लॉस दिया है और फिर उसके बाद टीवी का प्रॉफिट दिया है, दोनों का परचेजिंग प्राइस सेम है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है। अब आप देखते हैं, पहले वीसीआर को सॉल्व करते हैं। वीसीआर में उसको बेचने पर 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। अब ये 4% लॉस कितना होगा, 4% ऑफ ₹8,000। ठीक है, जब वो खरीदे हुए सामान को अपने खरीदी रेट से कम में बेचेगा तभी उसको लॉस होगा, तो 4% ऑफ लॉस है, 4% लॉस किस में आएगा, उसको कॉस्ट प्राइस पे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4% ऑफ 8,000 कितना होता है, 4 × 1/100 × 8,000। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 4 × 8 हो गया 32 और ये जीरो, तो यहां आ गया 320। तो ₹320 का उसको लॉस हो रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है 4% लॉस हो रहा है, हमने उसको रुपीज में कैलकुलेट कर लिए कि कितना रुपए का लॉस हो रहा है, ₹320 उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखते हैं टीवी के केस में क्या हो रहा है, टीवी में उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो ये दिया हुआ है 8% ऑफ ₹8,000। ठीक है, प्रॉफिट किस में होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा उसका। तो अब देखो यहां पर इसका परसेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8/100 लिख सकते हो या फिर 8 × 1/100 भी लिख सकते हो, 8% को × 8,000। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 8 × 8 हो गया 64 और ये जीरो, तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया ₹640 का।
ठीक है। अब दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगा और यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि उसको वीसीआर बेचने पर लॉस हो रहा है, तो लॉस कब आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सॉरी सेलिंग प्राइस कब आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 8000 रुपीज, माइनस लॉस कितने का हो रहा है इसको 320 रुपीज का, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 12 2 हो गया 8, 9 माइनस 3 हो गया 6 और यहां आ गया 7। तो जो वीसीआर वो बेच रहा है उसका कीमत है 7680 रुपीज, ये इसका सेलिंग प्राइस है, किसका, वीसीआर का। टीवी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, क्योंकि टीवी में उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यहां आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस इसका है रुपीज 8000 प्लस प्रॉफिट हम लोग निकाले 640 रुपीज का, ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6 और ये 8, रुपीज 8640 रुपीज, ठीक है। आप समझ जाओ कि उस शॉपकीपर ने वीसीआर को 7680 रुपीज में बेचा और टीवी को 8640 रुपीज में बेचा है। अब क्वेश्चन में हम लोग को ये बोल रहा है कि इस ओवरऑल सेलिंग में, टीवी और वीसीआर के सेलिंग में उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसका परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर हम लोग टोटल करते हैं, टोटल, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया, उसने वीसीआर भी खरीदा है, टीवी भी खरीदा है, वीसीआर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000, टीवी का कॉस्ट प्राइस है 8000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहां पर आप टोटल कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो है 8000, यानी कि जो वीसीआर का कीमत है प्लस 8000 जो कि टीवी का कीमत है, दोनों ऐड करेंगे तो आ गया 16000, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस 16000 है दोनों को मिला के। अब टोटल सेलिंग प्राइस भी देख लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी 7680 प्लस 8640, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0 हो गया, 8 प्लस 4 हो गया 12, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 7 प्लस 8 8 16, 16320 रुपीज, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया दोनों को, दोनों ही सामान को मिलाकर। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो सेलिंग प्राइस इसका 16320 है, कॉस्ट प्राइस 16000 है, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोगों को यह बताना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हम लोग को यह बोला है कि अगर उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग को परसेंट में बताना है, कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो इसको ऑब्वियसली यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको अपन यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहां पर स्पेस कम है यहां पर कर देता हूं, ठीक है। देखो उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 16320 माइनस 16000, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 320 रुपीज का, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है हम लोग को, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है 320 डिवाइडेड बाय, सो उसका कॉस्ट प्राइस है 16000 इनटू 100। अब यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया और ये जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर अगर डिवाइड करेंगे देखो 16 1 16 16 2 32 होता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 2%, यानी कि जब वो 16000 की चीज को 16320 रुपीज में बेच रहा है तो 2% का, यानी कि 2% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2 का फिफ्थ क्वेश्चन।